लाहौर में रहते हुए रेस्टोरेंट्स में चाइनीज तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन गालिब मार्केट गुलबर्ग में मौजूद एक ऐसा फूड पॉइंट जो कि नेक्स्ट लेवल चाइनीज, जापानीज और थाई खाने सर्व कर रहा है टोफू के नाम से। यहाँ आपको डंपलिंग्स, एग फ्राइड राइस, चिकन कैशू नट और रेगुलर चाइनीज के अलावा मिलेंगे प्रॉन टेम्पूरा, वसाबी चिकन, थाई बेजल चिकन, रेड ड्रैगन विद बेहतरीन किस्म की टार्टर डायनामाइट और टोमेटो सॉस के साथ। ये सिर्फ डेमो है, खाने को इसके अलावा भी बहुत कुछ है। स्टार्ट करते हैं इसकी लोकेशन से। अच्छा, इसकी लोकेशन जो है ना बड़ी सिंपल सी है। गालिब मार्केट का ये राउंड बॉर्ड है, गालिब मार्केट जो सेंटर में डी बनता है ना, जो ग्राउंड है ये वो है, और ये जो है ना ये बटन कॉर्नर है। थाने से अगली जो बिल्डिंग है बटन कॉर्नर की है, और इससे उस तरफ जो है ना यहाँ पे बेस्ट समोसा कॉर्नर है। इन दोनों बटन कॉर्नर और बेस्ट समोसा कॉर्नर के दरमियान अंदर आप आएंगे तो आपके लेफ्ट साइड पे पहले ही छोटी सी गली है, बटन कॉर्नर लिखा हुआ है, इसके साथ छोटी सी गली के अंदर ये अंदर जाके यहाँ पे ये पॉइंट है ये वाला। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा, आपका नाम क्या है? फिदा मोहम्मद। फिदा मोहम्मद। अच्छा, आपका ताल्लुक कहाँ से? स्कर्दू। अच्छा, मैंने सुना स्कर्दू वाला जो है ना उनको ये चीज़ें बड़ी अच्छी बनानी आती है। हमारे पास मोमोज हैं, बीफ में है, प्रॉन्स में है, चिकन में है। और क्या क्या है आपके पास? और हमारे पास थाई है, चाइनीज है, कोरियन है। हर महीने में या दो तीन महीने में हम मेनू चेंज करते रहते हैं। अच्छा जी, सही। और ऐड करते हैं नई नई कुछ चीज़ें तो रखते होंगे ना, पक्की पक्की? बस पक्की पक्की अगर हम ना भी रखें, कई कस्टमर कहते हैं मिसाल के तौर पर पुराने कोई चाइनीज हैं, सही है, ये मंचूरियन दे दो, आलमंड दे दो, ब्लैक पेपर दे दो, वो तो वैसे ही बन जाते हैं। सही है, सही है। लेकिन आजकल के दौर में जो सॉसों के साथ बनाते हैं, जो एक अच्छी थोड़ी सी ग्रेवी और अच्छी जो चीज़ें हैं वो नई चीज़ों में जो होते हैं, वो टेस्ट जो है ना वो सॉसों के जरिए, जैसे कि बल्सामिक हैं, ऑस्टर सॉस हैं, वस्टर शायर हैं, ये सारे जो सेसमे ऑयल आपने डाला, सेसमे ऑयल हैं, तबास्को हैं, फिश सॉस हैं। अच्छा, आप ये सारा कुछ आपका ताल्लुक वहाँ से है, लेकिन ये चीज़ें आपने इतनी सारी सीखी कैसे हैं? सर मैं 85-86 से मैं जॉब कर रहा हूँ, जब हम लाहौर में स्टार्ट किया था हमने लाहौर से, सही, तो ये थोड़े बहुत ही रेस्टोरेंट होते थे। तो कितना पुराना ही सेटअप आपका, कितनी देर हो गई? सर हमारा ये कोविड में हमने स्टार्ट किया था। अच्छा, कोविड से पहले मैं खुद ही जॉब करता था। सही। जितने भी आपके लाहौर के जितने भी बड़े रेस्टोरेंट हैं, जी जी, जितने भी एम एम आलम पे हैं या मेरठ पीसी वगैरह, सब में मैंने जॉब किया हुआ है। अच्छा, सारा तजर्बा आपने इकट्ठा करके लंदन वगैरह में भी जॉब किया, दुबई, काफ़ी मुल्कों में भी जॉब किया। तो क्या कितने बजे खोलते हैं आप, टाइमिंग क्या है आपकी? टाइमिंग हमारी गर्मियों की वजह से थोड़े हमारे आउटसाइड थोड़ा सा सिटी है, आपने देखा हो। हाँ जी, ये गर्मी होते हैं तो हम शाम 5-4 बजे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सर्दियों में तो फिर हम थोड़ा सा जल्दी 1 बजे शुरू करते हैं। अच्छा, सही सही। लेकिन हमारा हाल तैयार हो रहे हैं उधर, वो सामने बहू बन के नाम से, बहू बन वाला, वो इंशाल्लाह वो है ना अब 12 बजे ओपन हुआ करेंगे। अच्छा, अभी हम आपसे क्या क्या ट्राई कर लें फिर आपसे? आप सर एक डंपलिंग कर लें और एक जापानी आके कर लें, उसके अलावा आप देख लें। एक आपको दे देते हैं कैशू नट दे देते हैं, ठीक है, एक आपको ये बेजल चिकन दे देते हैं, वसाबी चिकन बहुत बेहतरीन है, ठीक है, वो कर लेते हैं, डायनामाइट प्रॉन बहुत अच्छा है, प्रॉन मिल जाएगा इसे? मिल जाएगा, गर्मी में भी टेम्पूरा प्रॉन भी है सर हमारे पास। आप क्या कहते हैं? अच्छा है, एक करते हैं डायनामाइट या टेम्पूरा, एक कर लेते हैं, बेहतरीन होगा। कौन सा कर रहे हैं? वसाबी प्रॉन करते हैं, ठीक है, और एक टेम्पूरा कर देते हैं। एक हम आपके डंपलिंग्स तो खाएंगे, डंपलिंग्स, ठीक है, साथ में आपका जापानी आपकी ग्रिल बटर है, ठीक होगा, और स्टार्टर में फिर आप वो जो आपका कह रहे हैं टेम्पूरा, वसाबी और टेम्पूरा दोनों, बेहतरीन, ठीक है, डन सर, ठीक। अच्छा यार, ये हमारे सामने जो है ना मोमोज आ गए हैं, जो डंपलिंग होते हैं, ये आपको लाहौर में ना स्ट्रीट फूड में बहुत कम जगह, एक दो पिकअप्स हैं, एक दो सेटअप्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको मिलते हैं, लेकिन इस तरह से मैसिव लेवल पे जो प्रॉपर चाइनीज़ प्रोडक्शन हो रही है, चाइनीज़ आइटम की प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है, कुकिंग चल रही है, जापानीज़ आइटम की कुकिंग यहाँ पे चल रही है, फूड आपको यहाँ पे मिलता है, उस तरह से बहुत जगह पे नहीं मिलते हैं। तो ये देखो, ये डंपलिंग है, इसी बर्तन के अंदर ये स्टीम होते हैं और इसी में ये आपको सर्व कर देते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये हॉटपॉट सा बना होता है, इनका स्टीमर होता है एक्चुअली, तो इसी में सर्व होता है, बड़ा अच्छा, मतलब अच्छा स्टाइल है प्रेजेंटेशन का। इसको जो है ना हम प्लेट में निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लो जी, ये जो है ना यहाँ से लेते हैं डंपलिंग एक, ये आ गया। अच्छा यार, ये जो है ना इनकी स्पेशल सॉस है, ये सेसमे ऑयल और रेड विनेगर के साथ इन्होंने स्पेशल सॉस बनाई हुई है, और ये बता रहे हैं कि बहुत आगे की चीज़ है ये, इसको ट्राई करते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन अल्लाह खैर ही करे, पता नहीं लगानी वरना नमकीन हो जाएगा काम। और ये थोड़ा ट्राई साइड से, बिस्मिल्लाह। ओह 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 यार,
बहुत आला। ये जो सॉस है ना अभी खट्टी सॉस है, खट्टी भी है, खट्टी कम है, मिर्चें ज़्यादा है, बड़ी स्पाइसी सॉस है, गले में जाकर लगी है मिर्चें, लेकिन मज़ा आया। जितना ये फीका है ना, जितना ये फीका है उतनी वो स्पाइसी है, तो सही बैलेंस हो जाता फ्लेवर। ये मैं आपको दिखाना चाहूँ इसमें फीलिंग किस चीज़ की है, देखो ये जो ना इसमें ये देखो कि चिकन है, इन्होंने इसके वो एक टिक्की सी बना के ना पूरी ये फीलिंग की हुई है इसके अंदर। यार ये बहुत मज़े का, बहुत ज़्यादा सिंपल सिंपल सा फ्लेवर है इसका, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, हल्का सा माइल्ड सा फ्लेवर है। और जिसका स्टीम किया हुआ होता है ना, कोई मैदा को स्टीम किया होता है, तो जो चीज़ बनती है वो चीज़ एक्चुअली बनी हुई है ये। लेकिन बच्चों को अगर आप खिलाना चाह रहे हैं, बच्चों को खिला सकते हैं बगैर सॉस के। और अगर आप ख़ुद चटखोरे इंसान हैं और आपको ज़रा चस्के रहने का शौक़ है, तो आप ख़ुद भी खा सकते हैं, लेकिन ये सॉस के साथ, ये सॉस के साथ। ये देखो खुल गया मेरा डंपलिंग, खुल गया ये, मैं बहुत कमाल माशाल्लाह, बहुत ही आला। अच्छा अच्छा ठीक है, चाइनीज पकौड़ा समझ पकौड़ा सही होगा, कस्टमर को क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होता है जी जी, वो बंदे 4-5-6 होते हैं, सही है, वो कहते हैं यार आप हमें थोड़ा ज़्यादा पसंद, प्रॉन्स 4 आ जाएंगे। और पहली बार आपको ऐसे प्रॉन मिलेगा जो केपल है, ये दो प्रॉन जुड़ा हुआ होगा। अच्छा हाँ जी, ये कोई स्पेशल प्रॉन है, आपने बनाया इस तरह से? प्रॉन तो दो ही है, हाँ। लेकिन ये जो तड़का है ना हमारा, पूरी पाकिस्तान में पहला हमारे पास है। अच्छा ठीक हो गया। लो जी हमारे सामने जरन का प्रॉन टेम्पूरा आ गया, इसको भी हम ट्राई करते हैं। अच्छा इसमें ना मज़े की बात बताता हूँ, इसमें जो है ना टोटल प्रॉन जो जो पूरा पीस है ना, ये दो प्रॉन के साथ एक पीस बनाया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 6 पीस हैं, लेकिन देखने में आपको लगेगा कुछ 7-8 पीस हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ना लोगों को क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है, और लाहौरियों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है क्वान्टिटी दिखा के। साथ में उन्होंने ये वेजिटेबल पकौड़े भी बनाए हुए, वेजिटेबल को ना हल्का सा वेजिटेबल को फ्राई किया हुआ, ये देखो ये वेजिटेबल्स हैं, तो इसको आपने प्रॉन नहीं समझ लेना, ये प्याज और ये पालक है शायद, आई थिंक प्रॉन्स एक्चुअली ये है। ठीक है इसको चेक करते हैं पहले, इसको ना हमारे पास 3 तरह की इन्होंने सॉसेज दी हैं, एक डायनामाइट सॉस है, एक टार्टर सॉस है, और एक इनकी जो है वो टोमेटो सॉस है, तो बारी बारी ट्राई करेंगे चला, पहले इसको ट्राई करते हैं डायनामाइट सॉस के साथ। जी जी यार इमेजिन करो, इतना एग्जैक्टिव फूड है ये, और आपको स्ट्रीट में मिल रहा है बैठे, लाहौर में स्ट्रीट फूड लेवल पे इस तरह का चाइनीज़ फूड, इस तरह की क्वालिटी का फूड आपको शायद ही कहीं मिले। मुझे इस जगह का पता नहीं था, मुझे हमदा ने बताया था, एक हमदा है वो भी, उसने बताया था मुझे, तो यार बहुत कमाल यार। और स्पेशल जो सॉस है ना कि डायनामाइट सॉस जो है ना, ये वाली सॉस, इसके बारे में आपको एक बात बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है, बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है, बहुत बैलेंस सॉस है ये, बहुत बैलेंस स्पाइसी है इसके अंदर, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बनाई है। नेक्स्ट इसको ट्राई करते हैं टार्टर सॉस के साथ, ये लो जी ये टार्टर सॉस, ये थोड़ी सी खट्टी होती है, यार प्रॉन अपनी जगह पे, जो सॉस है ना यार वो खीर है भाई, वो हुए बहुत आला यार, वो हुए हुए बहुत आला सॉस, बहुत कमाल की इसकी। ये जी है टोमेटो सॉस, ये सिंपल वो सॉस है जो आपको मंचूरियन में मिलती है, चिकन मंचूरियन जब आप ऑर्डर करते हैं तो उसमें जो आपको जो रेड सॉस में आपको मिलता है ना, ये वो चाइनीज़ ऑथेंटिक चाइनीज़ का कह रहे हैं आप, या इसको सिग्नेचर स्टाइल कह रहे हैं चाइनीज़ का, ये वो वाली सॉस है। इसमें भाई जो सारे नंबर हैं ना, एक तो प्रॉन ही अपने हैं, प्रॉन की क्वालिटी बड़ी कमाल की है यार, इट्सेल्फ बहुत आला है ये यार। कुछ लोग इसकी धुम खा भी जाते, कुछ लोग नहीं भी खाते, मैं नहीं खा रहा, कुछ लोग खा जाते हैं, लेकिन भाई जो असल जो नंबर है ना भाई, वो इस स्टार्टर सॉस के हैं, दिस इज़ द गेम चेंजर, बहुत आला। अगर मेरे पास टोटल 10 नंबर होंगे ना, तो इसको मैं 12 नंबर दूंगा, इतनी कमाल की सॉस है ये वसाबी सॉस ऐड हो गया ठीक है। और इसके बाद ये आपने ना थोड़ी सी ना ये इसको अच्छी तरीके से ना डायनामाइट सॉस है, बहुत पॉपुलर है हमारी डायनामाइट सॉस जो है ना, यानी कि हमारी कम से कम 10 से 12 केजी है ना डायनामाइट सॉस निकलते हैं। ये थोड़ा वेजिटेबल सैलड के तौर पर है ना आप यूज़ कर सकते हैं,
क्योंकि एक ही ग्रेवी में आपका दो टेस्ट आएगा। सही है, लोग सोचते होंगे ये बहुत क्रीमी है, चीज़ी है, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। जब अगर आप अच्छे ब्रांड की सॉस यूज़ कर रहे हैं, मेयोनेज़ यूज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। अगर आप गलत सॉस यूज़ करेंगे वो फिर सेहत के लिए ना मसला हो सकते हैं। ठीक है, ये आप इसके ऊपर है ना मिंट थोड़ी सी खुशबू होते हैं इसके साथ है ना, ये थोड़ा सा काजू है ना कैशूनट, ये हम सर्व करते हैं। ठीक हो गया। ये जी हमारे सामने जाना, ये वसाबी चिकन आ गया है, इस पर थोड़े से इन्होंने कैशूनट डाले हैं, थोड़ा सा पुदीना डाला है और वसाबी पाउडर के साथ इन्होंने स्पेशल सॉस बना के उसको इन्होंने रेडी किया है। यार चार पांच फ्लेवर इकट्ठे हैं। सबसे पहले चिकन का फ्लेवर आया, फिर जो अपने पूरा मिक्सर बनाया था उसका फ्लेवर आया, उसमें चीज़ का फ्लेवर आया जो सॉस के अंदर यूज़ हुआ है, और एंड पे वसाबी का फ्लेवर आया। वसाबी का फ्लेवर जो ना बड़ा हल्का सा, थोड़ा हर्बी टाइप होता है, जैसे आपको हर्बल का फ्लेवर होता है उसका। एक चीज़ में जो मुझे डिफरेंट लगी ना दूसरी से, जो हमने प्रॉन टेम्पुरा ट्राई किया ना वो थोड़े क्रिस्पी होते हैं, इसको उन्होंने क्रिस्पी रखा है, लेकिन जैसे इसके ऊपर सॉस ले लिया ना, जिस सॉस में मिक्स हुए हैं, तो जो ऊपर का क्रिस्प है ना इसका, वो थोड़ा सोगी हो गया, वो नरम हो गया थोड़ा, लेकिन फ्लेवर उसका चेंज नहीं हुआ, एक अलग सा फ्लेवर आया उसका। जैपनीज फूड के अंदर ना वसाबी आपको साथ दी जाती है जब आप सुशी खाते हैं, उसका मकसद ये होता है कि वो आपको किसी भी किस्म की ना एलर्जी नहीं होने देता। गार्लिक होता है और वसाबी होती है साथ, वो आप वसाबी थोड़ी थोड़ी खाते रहते हैं, एक सुशी का पीस खाते हैं साथ थोड़ी सी वसाबी खाते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है उसका, तो कुछ लोग वो नहीं खा सकते, लेकिन इसमें आपको वो फ्लेवर हल्का सा मिल रहा है। तो जिन लोगों ने वसाबी ट्राई करनी है ना, वो ये वसाबी चिकन ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही है। और अगर आपको प्रॉन्स भी मसला है तो आप चिकन टेम्पुरा ट्राई कर लें, और ये चिकन टेम्पुरा प्लस वसाबी सॉस सारा कुछ में मिक्स है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही है। ठीक है, हमारे सामने जो है ना पूरी पार्टी हो गई आज, इतना कुछ हमने खा लिया, लेकिन फिर मजीद कुछ खा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ खाने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये जो है ना, ये इनका थाई बेसल चिकन है, ये जो है गार्लिक राइस है। अच्छा, एक होता है कंग पाव, और ये जो है ना इनका किंग पाव है, ये इनका स्पेशल रेसिपी है भाई, इन्होंने थोड़ी अपनी कोई स्पेशल रेसिपी बनाई हुई है, ये किंग पाव है। ये जो है इनके चाउमीन नूडल्स हैं, चाउमीन है, और ये जो है ना ये रेड ड्रैगन सॉस के साथ इन्होंने कोई स्पेशल, इसका नाम ही रेड ड्रैगन, स्पेशल कोई इनकी चीज़ है, सारा जो इसमें कमाल है सॉस का है, नीचे इसमें चिकन है और ऊपर जो है थोड़ी सी वेजिटेबल्स है, और ये जो है ना प्लेन एग फ्राइड राइस है हमारे पास, जो कि हर ग्रेवी के साथ आपको यहाँ पर मिलेंगे। लो जी, पहले जो है ना ये इनके थोड़े से हम लेते हैं ये गार्लिक राइस, पहले सिंपल चेक करते हैं, उसके बाद जो है इसके साथ एक आधी ग्रेवी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। प्लेन राइस गार्लिक, बिस्मिल्लाह वाला बरकत है। आपको आम जबान में समझाता हूँ, ये चाइनीज़ तड़के वाला चावल है जिसमें तड़का लगाया गया है लहसुन का, ये स्प्रिंग ऑनियन है, साथ में मूंगफली इसमें इस्तेमाल की हुई है उन्होंने, थोड़ा सा ब्राउनिश इसका टेस्ट है, जैसे तड़के वाला चावल होता है हमारे आमतौर पर चलते हैं वो है, और गार्लिक का फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा है, ब्लैक पेपर इस्तेमाल की गई है इसके अंदर बनाते वक्त, देखा नहीं मैंने कैसे बनाया, लेकिन फ्लेवर से पता चल रहा है कि इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल इन्होंने किया है। इसके साथ ना ये वाला लेते हैं थाई बेसल चिकन, गरम गरम हो जी, ये बेजल जो है ना, बेजल वो एक पौधा होता है हमारे यहाँ पे ना पाकिस्तान में, उर्दू में उसको न्याजबो कहते हैं, इसमें वो यूज़ हुआ है। ये देखो ये जो आपको नजर आना, ये धनिया नहीं है, ये वो न्याजबो का पौधा है, न्याजबो के पत्ते इसमें इस्तेमाल हुए हैं। इसमें जो चिकन में फ्लेवर आया ना हल्का सा सॉस में, जो सारा फ्लेवर है ना, सारा एरोमेटिक फ्लेवर सारे का सारा न्याजबो का आया इसके अंदर, एक कमाल की खुशबू आई है, एक कमाल का फ्लेवर आया मुँह के अंदर, जो कि सारे का सारा न्याजबो का है। सबसे पहले मैं हैरान इस बात में, इतनी सारी वैरायटी एक स्ट्रीट फूड जॉइंट के ऊपर आया, बहुत ज़्यादा यार, कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा। चलो जी, ये इनका प्लेन एग फ्राइड राइस है, इसको चेक करते हैं यार, अच्छा स्पाइसी है, जब मैंने चेक किया ना थाई बेसल चिकन यार, वो थोड़ा स्पाइसी है, उसमें काली मिर्च उन्होंने अच्छी खासी डाली हुई है, इसका इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आ रहा है। ये किंग पाव है भाई, क्या चेंज है मुझे कुछ समझ नहीं आएगा इसमें लेकिन इनकी रेसिपी थोड़ी डिफरेंट है, चेक कर लेते हैं इसको भी। चिकन के ऊपर कोटिंग है और वो चिकन, वो पता नहीं चला किधर गया यार, इसका चिकन बहुत डिफरेंट है यार, जो आम किंग पाव कंग पाव में चिकन होता है थोड़ा सा उसमें उसकी फील इससे थोड़ी डिफरेंट है।
तो जी ये इनके चाउमीन हैं, ये हम खाएंगे ऐसे करके। ओए यार इन्होंने ना मुझे दे दिया वो साथ में जो स्टिक्स होती है ना चॉपस्टिक्स, और इन्होंने कहा कि आपके लिए खेल है उससे खाएं आप, पता नहीं खाए जाएंगे कि नहीं खाए जाएंगे लेकिन ट्राई कर लेते हैं, मेरे को फड़े नहीं जाते। ओए पकड़े गए, ओए नहीं 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 पकड़े जा रहे, मैं रह गया हूँ। ये जो है ना ये प्लेन वो नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बिल्कुल माइल्ड फ्लेवर है इसका, इसमें कोई भी स्पेशल पंचिंग फ्लेवर नहीं आ रहा, कोई बहुत ज़्यादा फ्लेवर नहीं आ रहा, बिल्कुल माइल्ड फ्लेवर वाले, लाइट से फ्लेवर वाले ये चाउमीन बने हैं। कोई स्पेशल चाउमीन है, इसका नाम मैंने पूछा नहीं कौन से, मैं पता कर लेता हूँ, लेकिन चीज़ मज़े की है। ये लास्ट चीज़ है मेरा टिड, ये लास्ट चीज़ है और गर्म बड़ी आ रही है नीचे से, इधर रख के डाल रहा हूँ मैं इसको। ये कहते हैं हमारी स्पेशल सॉस है, स्पेशल सॉस है ड्रैगन सॉस, साथ में नीचे कुछ चिकन है और थोड़ी सी वेजिटेबल्स उन्होंने डाली है इसके अंदर। ये सॉस का कलर चेक करो, वो शक्ल भी ड्रैगन लग रही मैंने। लो जी ये बिस्मिल्लाह, ये सॉस है ना मैं सारा फ्लेवर दालचीनी का, दालचीनी का जो पाउडर होता है ना सिनेमन पाउडर जो होता है वो इन्होंने डाला हुआ इसमें ज़्यादा, और लौंग और जो भी हर्ब्स होते हैं तेज पत्ता वगैरह वो सारे मिक्स करके इन्होंने डाले हुए पाउडर बना के ना, उसका सॉस बनी हुई है यार। बहुत कमाल चीज़ है यार, बहुत डिफरेंट चीज़ है, मतलब इस तरह की चीज़ शायद ही आपको कहीं पे मिले। बहुत ज़्यादा यार ये ड्रैगन सॉस है ना बड़ी स्पाइसी आ रही है, मैं समझता हूँ बच्चे खा लेंगे लेकिन भाई अपनी जिम्मेदारी पे, ये ऐसी स्पाइसी नहीं है कि आपको तंग करेगी, ये जुबान पे, सिर्फ जुबान पे स्पाइसी है, गले में नहीं लग रही, बड़ी हीट दे रही है आपको। इसके ऊपर अगर आपने छोटा छोटा या कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक पी लिया ना तो जुबान छाट जानी एकदम दस में, बहुत स्पाइसी है लेकिन कमाल, बहुत ज़्यादा। इधर जो मुझे समझ में आई है ना ओवरऑल जिस पॉइंट में जितनी भी चीज़ें मुझे समझ में आई हैं, चावलों के अलावा चाउमीन के अलावा जितने भी ग्रेवीज हैं और जितने भी इन्होंने स्टार्टर दिए हैं, सब में जो सबसे ज़्यादा कमाल चीज़ है ना वो इनकी सॉसेज हैं, जो इनकी सॉसेज जो उन्होंने मिक्स करके बनाई हुई है ना, इवन के जो हमने शुरू में डम्पलिंग्स खाए हैं उसके साथ जो उन्होंने सॉस दिया वो डायनामाइट प्रॉन्स के साथ जो सॉस आई थी टार्टर सॉस स्पेशल थी वो, और फिर जो बाद में टेम्पूरा चिकन के साथ जो सॉस उन्होंने मिक्स करके बनाई हुई थी वो भी थी, और ये जो रेड ड्रैगन सॉस है यार इनकी सॉसेज बहुत कमाल है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपने एक चीज़ लाजमी ट्राई करें, इनसे आपसे इनसे कहना कि कोई सॉसेज के साथ कोई फनकारी लगा के हमें खिलाएं, क्योंकि इनके हाथ में फ्लेवर है और ये फ्लेवर जो है ना एक बहुत बड़ी नेमत है, हर किसी के हाथ में होता नहीं है, तो इसको जितने लोग जितना जल्दी फ़ायदा से उठा सकते हैं इसका फ़ायदा उठाएं, और इनसे कह के बनवाएं कि हमें स्पेशल अपने हाथ से वो दिल से वो स्पेशल से सॉस बना के खिलाएं, या आपको खड़े खड़े नई सॉस बना देंगे, इतना आर्ट है इनके बाद माशाल्लाह। वीडियो जो है हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। टोटल फूड जितना भी मैंने यहाँ पर खाया ओवरऑल चाउमीन और बस चाउमीन के अलावा जितना भी मैंने यहाँ पर खाया, क्योंकि चाउमीन बहुत ज़्यादा अच्छे मुझे नहीं लगे, ठीक है अच्छे बने हुए चाउमीन के अलावा जितना भी फूड है चाउमीन इज़ 9 out of 10, बाकी जितना भी है ना सारा 10 out of 10 है भाई, सारा फूड 10 out of 10 है। यहाँ पे आ जाओ, इधर रश है ऑलरेडी, तुम आके इतने होर रश पा दो। फिर जी आपसे मुलाकात करेंगे चल अगली वीडियो के अंदर, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पे क्लिक कर दें ताकि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उम्र के 3 तरह के हमारे पास पैकेजेस हैं, कौन कौन से हैं सारी डिटेल आपको इस नंबर पर मिलेगी। दिस इज माय इंस्टाग्राम, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम, आपसे गपशप होती है, मुलाकात होती है, लाइव जाता हूँ इंस्टाग्राम पे और बहुत सी गपशप होती है इंस्टाग्राम पे। आपसे मुलाकात करेंगे चल अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।